आज मैं कुछ टास्क दूंगा करने के लिए आप लोगों को, इस वेबसाइट में कुछ टास्क दूंगा, है ना। तो अब देखो, इसी के नीचे मैं आता हूं, तो मैंने लिखा अबाउट अस, डिप के अंदर क्लास बनाई, अबाउट नाम से, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने लिखा एच टू, इसमें लिखा मैंने अबाउट अस, ठीक है। फिर एक मैंने लिया पैराग्राफ, इसमें लॉरेल इप्सम ले दिया मैंने, ठीक है। और थोड़ा फॉर्मेट से कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें लिया मैंने एक बटन रीड मोर, ठीक है। ये तीन काम किए मैंने इसके अंदर। अब जाके चेक करता हूँ ब्राउजर पे क्या आ रहा है इसमें। देखो ये आ रहा है, तो दिख रहा है। अब इसको थोड़ा ठीक करना है मुझे, बीच बीच में करना है। तो अब मैं चलता हूँ CSS पे। अभी कोई नोट नहीं करना, सिर्फ मेरे साथ आप देखो, चलो। डॉट अबाउट के अंदर पैडिंग कर, पैडिंग कर दी मैंने 100 पिक्सल और 200 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखें आप लोग, और इसके बाद टैक्स अलाइन सेंटर कर दिया, देखो सेंटर मार रहा है। अब मैं थोड़ा स्प्रेड कर लेता हूँ, क्लिक किया मैंने यहां पे, देखो ये चलता है लेफ्ट राइट, ये चलता है टॉप बॉटम, ठीक है। बस नीचे आ रहा है, और ये लेफ्ट राइट, ठीक है। जानते हो ना इतना सब लोग। सर एक बार और बता दीजिए, समझ में नहीं आया। नहीं अरे जी, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, सिंपल एक डिप बनाया, डिप के अंदर एक क्लास बनाई अबाउट नाम की, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्लास अबाउट नाम की। इसके अंदर मैंने एक एच टू ले लिया, एक पैराग्राफ ले लिया, एक बटन ले लिया, एक एच टी एम एल वाला काम कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, CSS पे आया, मैंने अबाउट नाम की क्लास पे क्या लगाया, पैडिंग लगाई। पैडिंग जानते हो ना, 100 पिक्सल कहाँ से काम कर रहा होगा, टॉप और बॉटम से, और 200 पिक्सल कहाँ से काम कर रहा होगा, लेफ्ट और राइट से। फिर टैक्स अलाइन कर दिया सेंटर में, बस यही तो किया मैंने। अब मैं स्पेक्ट एलिमेंट्स आपको चला के दिखा रहा हूँ, क्लियर हुआ। सब पढ़ चुके हैं चीजें हम लोग पहले तो से, सर वो मूव तो कर ही नहीं रहा है सर। तो इतना पार्ट ही बन गया, क्या मूव नहीं कर रहा। देखो हाँ सर, ये पार्ट तो बन देखो, गया। हाँ यही तो बनेगा तो सर ना। हेलो पैडिंग वर्ल्ड जब वाला लगाएंगे, सर और मूव पैडिंग कर दो रहा है। 150 पिक्सल 200 पिक्सल, अरे ये पा तो सर हलुक वाले, हेलो ये वर्ल्ड देखो ना, ये वाले अबाउट में वाला किस पे काम कर रहे हैं आप में इसके लिए। सर, अरे तो मैं हाँ काम वही इस तो पे सर, कर रहा तो हूँ ये तो देवी जी, मूव नहीं अबाउट कर पे, रहा ये इस ना पे आगे जो। हाँ मूव तो नहीं कर फिर रहा, तो सर यहाँ ये पे कैसे अबाउट आगे अस करें। वाला भी तो मूव नहीं कर रहा ना सर। मूव नहीं करेगा अभी, इतना ही लिखने का ही काम किया है ना। अरे तो हमने ये CSS लगा तो दिया इसमें, आपको मेरा CSS दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है।
हाँ सर दिख रहा स्क्रीन सो रही मेरी? हाँ तो ये क्या लिखा, है। हाँ पैटर्न सर 150 हो पिक्सल रही लिखा है। है? 150 पिक्सल कहाँ से दिख रहा हाँ होगा? तो ये 150 पिक्सल क्या कर सर, रहा होगा टॉप और बॉटम से, आप बताओ ना। टॉप हाँ तो बॉटम देखो से यहाँ चल कैसे। नहीं रहा क्या, टॉप बॉटम, टॉप से जा गया, बॉटम से जा गया, और जो लेफ्ट हाँ राइट आ गया, हाँ चल ठीक तो है रहा सर, है। सीएसएस काम ठीक कर है तो सर, रही है ठीक वो, अगर मैं सीएसएस वाला बंद कर दूँ तो फिर कहाँ से चलेगा वो? बाकी लोगों को समझ में आया जो मैंने हाँ ये सर, ठीक किया? है सर, समझ गया। हाँ सर आ मैं गया। बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों का इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है अब देखो मैं यस इस सर, अबाउट पे यस काम कर सर, रहा हूँ, इस अबाउट अस पे। ठीक है देखो अब इस अबाउट अस पे काम करता हूँ। अब मैं इसका देखो थोड़ा अबाउट अस पे थोड़ा काम करते हैं। इस अबाउट अस मैंने कर दिया, पहले तो फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसका, ठीक है, और इसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, देखो कैपिटल में हो गया। फॉन्ट फैमिली थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा यहाँ से मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, सिखाया था मार्जिन बॉटम है ना आप लोगों को, थोड़े से स्पेस आ जाएगा नीचे, तो इस पे नीचे आ गया। और इसी पे एक लगाता हूँ टैक्स शेडो, सब देखो टैक्स शेडो कैसे काम करता है। टैक्स शेडो मैंने किया 3 पिक्सल 3 पिक्सल 3 पिक्सल और रेड, देखो दिख रहा है शेडो पीछे आ रहा है। अब देखो थ्री जो पहला वाला 3 पिक्सल है ये कैसे काम कर रहा होगा, दिख रहा है लेफ्ट से राइट आ रहा है 3 पिक्सल पहला वाला, और दूसरा वाला 3 पिक्सल समझ में आ गया होगा, टॉप बॉटम, तीसरा वाला 3 पिक्सल शेडो बढ़ा रहा है, देखो दिख रहा है जैसा शेडो रखना चाहते हो डार्क हल्का, देखो ठीक है, और ये कलर है जो आओ कलर देना हो, ठीक है मैं ये कलर दे देता हूँ, कौन सा वाला लोगो वाला कलर, देखो ठीक है पार्ट क्लियर करना, इसको यहां से कॉपी कर लूं और यहां पे क्या लिखूंगा ऐसे देखेंगे अपन, अबाउट के अंदर H2 है ना, और ये पेस्ट कर दिया यहां पे, मैंने H2 लिया था, देखो जितना मैं कराता हूं उतना आप घर पे प्रैक्टिस कर लिया करो सब लोग, देखो इतना पार्ट बन गया हमारा ये। अब मैं इस पैराग्राफ पे काम करता हूं, ठीक है पैराग्राफ पे, तो अब मैंने पहले पैराग्राफ पे क्या किया आप देखो, सबसे पहले लेटर स्पेसिंग, एक होता है लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में स्पेसिंग देना, ठीक है मैंने कर दिया 3 पिक्सल, ज़्यादा हो गया, ठीक है 3 3 कर दिया, फिर थोड़ा दे दिया बर्ड स्पेसिंग, अगर बर्ड के बीच में स्पेसिंग देना है तो बर्ड स्पेसिंग दे दिया, ठीक है। अब देखो अब मैं इसमें थोड़ा फॉन्ट फैमिली लगा रहा हूं, कर्सिव लगा देता हूं, ठीक है, और अब मैं एक लगाता हूं लाइन हाइट, अब सब देखें लाइन हाइट यहां पे क्या करेगी, लाइन हाइट ये पैराग्राफ के बीच में लाइन हाइट देना हुआ, देखो देखो अभी कुछ चिपक गया, देखो अब मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूं जो पैराग्राफ के बीच में है ना उसकी, मैं देखो हाइट बढ़ा रहा हूं, देखो दिख रहा है आप लोगों को लाइन हाइट समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है सबको, देखो समझ में आ गया लाइन हाइट कैसे काम करता है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर आ गया। आ रही आ रही। ठीक है मार्जिन बॉटम लगा दिया 10 पिक्सल, ठीक है अब इतना जो कॉपी कर लेता हूँ, अब यहाँ चलता हूँ फिर से नीचे आता हूँ, लिखा मैं डॉट अबाउट के अंदर पी, और ये पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, तो ये वाला काम अब बटन पे काम करता हूँ, इस बटन पे, ठीक है देखो स्पेक्ट एलिमेंट से काम कितना ईजी हो जाता है, अब बटन पे काम करता हूँ, विड्थ दे दिया मैं बटन का,
हैट दे दिया मटन के मैंने, ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया, एक साथ दो कलर दे दूं या छोड़ो? यही लेके चलता हूँ मैं तो, यही कलर। ठीक है, और इसका बॉर्डर नन कर देता हूं, नन, कलर व्हाइट, फॉन्ट साइज अंदर का, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, जितना आपको रखना हो, ठीक है। बन गया इतना बटन। अब बटन पे दो तीन कलर करना चाहते हो मिक्स, तो आप दो तीन कलर लगा सकते हो, लीनियर ग्रेडियंट लगा सकते हो। देखो दिख रहा है लीनियर ग्रेडियंट, तो मैं इस पे ऐसे लगाता हूँ कलर, देखो इसको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 मिनट, क्लिक किया, देखो देख रहा है 45 डिग्री। देखो इसमें टू राइट कर सकते हैं, 45 डिग्री कर सकते हैं, और ये कर दिया ट्रांसपेरेंट, इतना पार्ट कैसा हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। 180 डिग्री कर सकते हो आप यहाँ पे, करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, क्या लिखूंगा? अबाउट के अंदर बटन, ये अब देखो ये लिखा है 45 डिग्री, ये लिखा ट्रांसपेरेंट। अगर तुम्हें ट्रांसपेरेंट नहीं करना है तो हटा देना, कलर डाल देना इसमें कोई, जैसे मैं कलर डाल देता हूँ, यानी देखो ब्लैक ब्लैक कर दिया यहाँ पे, देखो ब्लैक सेव किया, ठीक है, दिख रहा है इतना पार्ट बन गया, इतना पार्ट। और देखो और क्या करते हैं, टू अबाउट बटन पे लगा दिए होवर, HOV, या होवर। अब देखो होवर से क्या होता है, जैसे मैं बटन पे माउस लेके जाऊंगा ना, तो बटन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बटन पे माउस ले जाने पे हम बटन का कलर चेंज कर देंगे, रेड, कमा येलो कर दिया, और यहाँ पे कर दिया मैंने, देखो 90 डिग्री, कितने कर दिया मैंने यहाँ पे 90 डिग्री। चलो ब्रैकेट रह गया था, ब्रैकेट, अच्छा सर ब्रैकेट रह गया था सर, ना लगा लगा दिया, लगा दिया, लगा सर दिया। प्लीज एक बार और बता दीजिए, मेरा नेट चला गया था। कहाँ, कितना समझ में आया इसमें? देखो बटन पे ये काम किया मैंने, देखो यहाँ पे बटन दिख रहा है आपको, बटन ये बटन दिख रहा है, मैंने क्या किया, यस बटन सर, के विड्थ विड्थ सेट कर दी, यस हाइट सेट कर दी, बैकग्राउंड लगा दी, लीनियर ग्रेडियंट ये सिखाया था ना आप लोगों को, इसमें 45 डिग्री दे दिया, यही पैंतालीस यस डिग्री सर डिग्री डिग्री समझते हैं ना, जी 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना। बॉर्डर नन कर यस दिया, सर, कलर व्हाइट कर दिया, फॉन्ट साइज कर दिया, बॉर्डर रेडियस कर दिया, तो ये बटन बन गया आपका, इस तरीके दिख रहा है बटन जी। फिर मैंने क्या किया, बटन पे होवर लगा दिया, होवर है यस ना, होवर दिख रहा है, जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा ना, देखो बटन पे, देखो तो कलर चेंज हो जाता है, दिख रहा है माउस ले जाने पर बटन का, दिख यस सर, रहा है माउस ले जाने पर कलर चेंज हो जाता है, समझ आ रहा है आप लोगों को, यस सर, है ना? हाँ जी, बोलो बोलो। यस सर, आ रहा है। चलो अब इसको नोट करो पहले, इतना अब इसको नोट करो पहले। तो अब इसके बाद आता हूं मैं यहां पे, ये बंद करता हूं जो वाला पार्ट। अब देखो मैं इसी सेम पार्ट को कॉपी कर रहा हूं, सब देखो सेम पार्ट को मैंने यहां पे कॉपी किया, नीचे मैंने कहा प्रेस,
पी आर ई प्रेस, ठीक है, और यहाँ पे प्रेस कर दिया, ठीक है प्रेस, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, पी आर ई प्रेस, और यहाँ पर भी प्रेस, पी आर ई प्लस प्रेस। अब मैं देखो सी एस एस पे आया, अब सब देखो मैंने आप लिखा डॉट पी आर ई प्रेस बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज, और इमेज अभी मैं देखो यही वाली इमेज लगा देता हूँ, बाद में मेरे पे इमेज है इसमें क्या ये वो देख लेता हूँ, अगर इसमें इमेज होंगी तो मैं इमेज चेंज कर दूँगा। URL के अंदर डॉट डॉट स्लैश इमेज के अंदर एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे इमेज कौन सी है, बैनर, चलो ये लगा देता हूँ, ठीक है, या और देख लेता हूँ और भी कोई है। चलो ये लगाता हूँ, देखो अब सब देखो इस इमेज में कुछ सिखाता हूँ आप लोगों को, 3.jpg, ठीक है, और इस आप लोग इमेज निकाल लेना, अभी तो कोई भी लगा लेना, बाद में दूसरी आप लगा लेना, बेट्स 100% हाइट 500 pixels, ठीक है। अब देखो वेबसाइट पे मैं आया, तो देखो अब देखो इमेज, आप देखो यहाँ पे देखो इमेज सही कहीं आ रही है, अब देखो रियल इमेज देखो, आप देखो ये रियल इमेज है, देखो ये रियल इमेज है ना लंबी में, और हमारी इमेज ये इस तरीके से आ रही है। तो अब इस इमेज को मैं सेट करना पड़ेगा, तो अब सेट कैसे करेंगे, अब देखो पहले मैं लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, पहले मैंने जो वाली इमेज को सेंटर में किया, देखो देखो सेंटर में आ गई, अब थोड़ी इमेज जूम होके आ रही ज्यादा है ना, तो अब यहाँ पे एक काम करेंगे, जी हमें चेक करना होता है कि हमारी इमेज कैसी आ रही है, फिर करेंगे बैकग्राउंड साइज इसका कवर कवर, अब देखो सही आ जाएगी इमेज, देखो ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है समझो, ये कंटेंट आपको दिख रहा है सब लोग, ये कंटेंट आपको दिख रहा है, ये कंटेंट बिल्कुल बीचों बीच में लेके आना है, जैसे ये आया, ये दिख रहा है अबाउट अस वाला कंटेंट बीच में, ऐसे ये प्रेस वाला कंटेंट बीच में आएगा इसके ऊपर ऐसे, है ना, ता समझ में आ रहा है, ता समझ में आ रहा है सबको सर, अप्लाई करो है ना, आराम से हो जाएगा, आ गया सर, आ गया। हाँ जी, सेम जो हमने किया ना अबाउट अस में, सेम काम आपको बीच में करना है, समझ आ गया, सेम टू सेम काम करना है बीच में, ठीक है। आप पहले इतना नोट करो फिर और समझाता हूँ। अब देखो सेम चीज ये को कर रहा हूं, सेम देखो सेम में एक बार पेस्ट कर रहा हूं उसको, 2 दिन है, 2 दिन में प्रैक्टिस करना अच्छे से, टीम ठीक है। अब मैंने बनाया टीम नाम का, ठीक है, टीम नाम का सेम चीज, और सी एस एस पे आया, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इमेज चेंज कर देता हूँ,
यहाँ पे लगा देता हूँ दूसरी इमेज कोई सी। बैनर वाली इमेज, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। और बैनर की इमेज नहीं आई, सेव नहीं किया ना। अच्छा टीम नहीं किया ना, टीम टी ए टीम अब आ जाएगा, देखो ठीक है। हमारा टीम वाला पार्ट, तो इसमें भी क्या, इसमें क्या होगा, बीच में कंटेंट आएगा, इसमें भी क्या होगा, सेम चीज है ना, बीच में कंटेंट, क्लियर हो रहा है, इसको नोट करो।